जिसको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले ही। मुझे लगता है ये लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मति भ्रष्ट हो चुकी है। छहो सास सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, उसमें छह सास 18 पुराण चार वेदों का रस भरा हुआ है, और स्वामी प्रसाद जैसे नालायक व्यक्ति उस पर क्या कर सकते हैं। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक रामचरितमानस को लेकर सियासत जोरों पर है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस ग्रंथ पर सवाल उठाए और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इसे लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि रामचरितमानस बिल्कुल दलित विरोधी ग्रंथ है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। और इन सब के बीच में हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने इस रामचरितमानस की रचना की थी। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध तुलसी घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये गंगा का किनारा है और उसके ठीक बगल में ये तुलसी घाट है, और यहीं पर 1600-1500 ईस्वी के आसपास तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। और इसके जो निशान है आज भी इस तुलसी घाट पर साफ तौर पे दिखाई पड़ते हैं। कहा यह जाता है कि वो इसी घाट पर रहते थे और यहीं पर उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी रामचरितमानस, क्योंकि जो वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण था वो बहुत कृष्ण था और उसी को एक तरीके से हिंदी में उनका उन्होंने अनुवाद करते हुए सरल भाषा में आम जनमानस के सामने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन अब उस रचना पर एक तरीके से सियासत शुरू हो चुकी है बिहार से लेकर अब उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही कर्नाटक में ही इस ग्रंथ को लेकर जो तमाम तरह की बातें हैं वो सामने आती जा रही हैं। इन सब के बीच में जो काशी की जनता है वो इस सियासत से बेहद आहत है। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस विवाद को वो किस तरीके से देखते हैं, और साथ ही इस तुलसी घाट के बारे में बताएं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने रचना की थी। सबसे पहले हम आपको एक शिलापट दिखाने की कोशिश करते हैं कि 1008 श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी का निर्वाण तिथि संबत 1680 गंग के तीर श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी त्योज शरीर, मतलब 1680 के आसपास उन्होंने अपने शरीर का एक तरीके से त्याग किया था और उसी का वर्णन है वो यहाँ पर है। इस तुलसी घाट की अगर बात करें तो यहाँ पर उनकी जो पर्ण चादुका है उसके साथ ही जिस कुटी में वो रहते थे वो भी यहीं पर स्थित है। संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज का ये स्थान है और सदैव रहेगा, और इन्होंने इसी जगह पे अपने रामचरितमानस को अपने ऊपर वाली कुटिया में, हम चाहेंगे कि आप उसको आप चल के देखें। हाँ, तो उसके अच्छा इस जगह के बारे में बताइए जरा, पहले इस जगह के बारे में। इसी जगह में बस उनके अस्थावरा गोस्वामी जी महाराज की मेन मंदिर था, इसी मेन मंदिर उनका यही है जो उन्होंने अपने हाथों से संकट मोचन हनुमान जी महाराज का स्थापना किया है। सूर्यपुत्र हनुमान जी महाराज का स्थापना किया है, उनकी ओरिजिनल फोटो रखी हुई है, उनकी ओरिजिनल खड़ाऊ है, उनकी ओरिजिनल नाव की टुकड़ा रखी हुई है, उनकी लिखी हुई रामचरितमानस रामायण है, और ऊपर उनकी जो है कि जहाँ लिखे है उनकी कुटिया विराजमान है। आज रामायण को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। रामायण को इस्लामिक राष्ट्र में नहीं पढ़ाया जाएगा, रामायण अपने हिंदू समाज के सनातनी वीरों को पढ़ाया जाएगा। अब गंभीर विषय यह है कि वो हिंदू कौन, यानी समाज को किस प्रकार से बांटने का काम, समाज को किस प्रकार से तोड़ने का काम, इसी रामायण को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई ने उनको जो रामायण से शौर्य और ऊर्जा की बात सिखाई उसी पर हिंदवी राज की स्थापना भी होती है। भरतदास जी, रामचरितमानस को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने सवाल खड़े किए और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस दलित विरोधी है, उस पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले ही।
मुझे लगता है ये लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मति भ्रष्ट हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के पास अब कोई काम बचा नहीं, राजनीति इनकी चौपट हो चुकी है। जो बदलू दल बदलू वाला काम किया इधर से इधर उधर से इधर, अब इनका अस्तित्व समाज से खत्म हो गया। तो ये सस्ती जो है अपनी लोकप्रियता को बटोरने की दृष्टि से ये सारी चीजें कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रामचरितमानस, वो क्या जाने रामचरितमानस कितना अथाह ग्रंथ है। छहो सास सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, उसमें 6 सास 18 पुराण 4 वेदों का रस भरा हुआ है। और स्वामी प्रसाद जैसे नालायक व्यक्ति उस पर क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति भी उनको करना नहीं आई, वो कूटनीति पर उतर आए तो उसी क्षेत्र में रहें, धर्म क्षेत्र को न छुए तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये जो बांटने का काम कर रहे हैं दलित विरोधी और फलाना विरोधी, ये सारी चीजों को बंद कर दें। अगर उनको बहुत ज्यादा वो है तो आए चैलेंज करते हैं उनको, आए मुझसे शास्त्र करें। और वो क्या शास्त्र कर सकते हैं, उनके अगर जाने वाने और भी कोई लोग हैं, एक एक चौपाई पर एक एक शब्दों पर हमसे बात कर सकते हैं कि कहीं से भी दलित विरोधी नहीं है। अगर दलित विरोधी होती तो केवट को जाकर के भगवान अपना सखा नहीं बनाते, अगर दलित विरोधी होती तो सबरी के यहां जाकर के अपना उनको सम्मान नहीं देते। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजों को नहीं देखते हैं। रामचरितमानस वह ग्रंथ है कि कहां पर क्या चीज है, किस वस्तु से उसको साधा गया है, क्या विषय रहा होगा, उस पूरे विषय को जब आप पढ़िएगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि रामचरितमानस कितना अथाह ग्रंथ है। ऐसी दृष्टि में स्वामी प्रसाद मौर्य या वो शिक्षा मंत्री बिहार के, इनके पास बुद्धि की बहुत अभाव हो चुका है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा और इनकी जो है स्थिति बहुत खराब हो सकती है। ये जो इसकी विरोध कर रहे हैं, हमें उनसे अनुरोध है कि वो जाके पहले अध्ययन करें तो विरोध करें। ये दलितों का विरोध नहीं, दलितों का सम्मान दिए, राम ने सदैव सम्मान किए ने, दलितों के जूठन खाए ने, दलितों को सेवा ली ने, दलितों को सेवा दी ने, वो वैराग्य होकर वो वनवासी होकर के दलितों का सम्मान बनाए, ना कि तिरस्कार किए। ये सत्ता के मध्य में आकर के सत्ता के अधिकारी अपने सत्य के स्वार्थ में ये धर्म पर विवाद कर रहे ने, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। हमारी घोषणा है कि इस पर खुलियाम जितनी भी जनता है इस पर विरोध पर उतरा जाए। ये क्या फैशन बनता जा रहा है क्या कि हिंदुओं की से जुड़ी हुई जो ग्रंथ है या फिर हिंदुओं से जुड़े हुए जो संत हैं उन पर निशाना साधा जाए, उनको टारगेट किया जाए? इसे फैशन नहीं, इसे कमजोरी कहते हैं। और ये कमजोर ना समझे, ये कमजोरी नहीं। राम ने हमें मर्यादा सिखाए तो कृष्ण ने हिंसा भी सिखाए। कृष्ण ने अपने मधुर वचनों में और गीता में स्वयं मौलिन है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा वच। जब धर्म पर बात आ जाते हैं तो कृष्ण हिंसा करने के लिए सिखाते, लेकिन हमारे राम अहिंसा विरोध अहिंसक हैं और हम चाहेंगे कि अहिंसक रह कर किसके जवाब दिया जाए। पुस्तक में ऐसी क्या बात लिखी है कि जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं? पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाए कि ये दलित विरोधी है, इसमें जो बातें लिखी गई हैं, दोहे लिखे गए हैं, वो दलितों की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। और अब वही कुछ बातें स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता के तौर पर उनकी पहचान है, ऐसी क्या इस पुस्तक में बात लिखी गई है? इस पुस्तक में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, लेकिन जो भारत के शत्रु हैं, भारत के अंदर रहने वाले षड्यंत्रकारी साजिश करता है, उनको हमेशा सनातन धर्म में कुछ न कुछ कमियां दिखाई देती हैं। वो सनातन धर्म पर हमला अपने से नहीं करते हैं, वो विदेशियों के जुटाए गए फंड से करते हैं, विदेशियों के इशारे पे करते हैं, और विदेशियों के इशारे पर तोड़ने वाले लोगों के कहने पे करते हैं। रामचरितमानस की रचना मुगल सम्राट अकबर के ज़माने में हुई थी, जब मुगलों की कोई हैसियत नहीं थी कि उसका वो विरोध कर सके, और जिन जो आउटडेटेड हैं, जिनको जनता ने नकार दिया, जिनको लोगों ने नकार दिया, जिनको घर वालों ने नकार दिया, वो अब भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके अपनी प्रासंगिकता वो समाज में चाहते हैं कि लोगों का ध्यान उनके तरफ हो, अटेंशन वो चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। घर का आवारा लड़का जो होता है वो अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी करके इस बात को साबित करता है कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो उनको भी शोषण का प्रतीक बताता है। तो ऐसे ही कुछ लड़के भारत माता के हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं भगवान श्री राम के पवित्र पुस्तक के साथ। वो दुनिया की सबसे पवित्रतम पुस्तक है, थी, और दुनिया जब तक धरती रहेगी वो पुस्तक, और उसके बारे में किसी भी तरह की
की टिप्पणी कोई भी सनातन धर्मी न बर्दाश्त करेगा न इसे स्वीकार करेगा। चीजों का समय के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और मानसिकता और समय काल परिस्थिति अनुसार हमारे संविधान को भी जो सुधार करना होगा। और इन लोगों के खिलाफ जो कि देखिए किसी दूसरे, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म को जो है कुछ आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि दूसरे धर्म वाले जो हमारे ऊपर चढ़ बैठे हमको तरह तरह के हमारे देश में रह के और हमें ही जो है तरह तरीके से जो है अपमानित करें। अभी रामचरित मानस आपने भी पढ़ा होगा, क्या कोई ऐसी उसमें चौपाई है या दोहा है कि जो दलितों की भावनाओं को आहत करने वाला है, दलित विरोधी है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ये मात्र और मात्र कुचक्र है। हम स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि जो राम को भजे सो राम को है, जो हरि को भजे सो हरि को है। हरि को राम जी को भजे, सभी हर कोई भज सकते हैं, किसी भी धर्म और मजहब का, सब जो है जय श्री राम कह सकता है, जय श्री राम कह सकता है, हर कोई भजे, सबका कल्याण होगा।